हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। तो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था, चैप्टर फोर, पार्ट्स एंड होल्स। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के पार्ट में क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होना है। क्या है टॉपिक? रुपीज एंड पैसेज। ठीक है, हाउ मैनी 50 विल मेक्स 1 रुपीज। देखो, 50 क्या होते हैं, 50 पैसे होते हैं, और 50 पैसे, 100 पैसे, 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज। ठीक है, 100 पैसे अगर आप रखते हो तो 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज होता है। ठीक है, तो आप 50, और 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 50 50 के अगर 50 50 पैसे के अगर आप दो टू कॉइन्स रखते हो तो वो क्या बन जाएगा, 1 रुपीज बन जाएगा। ठीक है, इस 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपीज। हाँ, 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपीज ही तो होता है। अगर देखो, 100 पैसे में अगर आप हाफ डिवाइड करते हो, इट मीन हाफ का मतलब क्या होता है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 50 आया। तो यस, ठीक है, जो 100 पैसे होते हैं क्या बनाता है, वो 1 रुपीज बनाता है, और 50 पैसे होता है वो 1 रुपीज का क्या होता है, हाफ पार्ट होता है। ठीक है, हाउ मैनी 25 विल मेक 1 रुपीज। तो 50 का हाफ क्या हो गया, 25। तो 25 प्लस 25 50, देन अगेन 25 प्लस 25 50, एंड 50 50 प्लस 100। ठीक है, तो हमें 25 के 4 पॉइंट्स चाहिए, जो कि वो क्या करेंगे, 1 रुपीज बनाएंगे। ओके, तो 25 पैसे इज फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, 25 जो होते हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट है, तो क्या होता है, वो 1/4 पार्ट होता है 1 रुपीज का। ठीक है, सेम 20 पैसे की बात की जाए तो 20 प्लस 20 प्लस 20 क्या बन गया, 20 40 60 80 एंड 100 इज इक्वल्स टू 1। तो इसके कितने पार्ट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5। तो 20 पैसे क्या है, 1/5 पार्ट ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, हाउ मैनी 10 पैसे विल मेक। अब 10 पैसे, 10 10 10 10 करके आप 10 टाइम्स लेते हो तो वो क्या 1 रुपीज बनाएगा। तो 1/10 पार्ट है क्या, 1 रुपीज का। ठीक है, सो 10 पैसे इज 10 पार्ट्स ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, 10 पैसे क्या है, 10 पार्ट ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, अब देखो में क्या है, एन ओल्ड वुमेन विल वंस दे आर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन। ठीक है, एक बार एक ओल्ड वुमेन रहती थी, सी लिव्ड विद हर 3 डॉटर्स। वो अपनी 3 बेटी के साथ रहती थी। शी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 कैमल्स। ठीक है, वो बहुत रिच थी, उनके पास 19 कैमल्स थी। वन डे शी फेल इल, वो क्या बीमार पड़ गई। द डॉक्टर्स कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाया। देन द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वुमेन। ठीक है, डॉक्टर ने अपना बेस्ट ट्राई किया बट वो उसको ओल्ड वुमेन को बचा नहीं पाए। ठीक है, देन क्या है, आफ्टर हर डेथ, जब उसकी डेथ हो गई, द डॉक्टर्स रीड वॉट शी हैड रिटन इन हर विल। ठीक है, तो उन्होंने अपनी उसमें क्या लिखा था, वो क्या क्या उनकी डॉटर्स ने उसे पढ़ा। तो माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ माई कैमल। उसने क्या बोला कि हाफ पार्ट, 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ पार्ट ऑफ कैमल क्या मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी लेगी। ठीक है, तो 1/2 पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल उसके पास कितनी, 19 कैमल्स थी, है ना, 19 कैमल्स थी। देन 19 का हाफ क्या हो जाएगा, देखो 19 क्या ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का हाफ नहीं हो पाता, तो इससे कम लो 18। तो 9 प्लस 9, 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 19। तो उसके पास 9 कैमल्स होगी, और 1 क्या होगी, वो पार्टीशन में होगी, मतलब उसके पास भी होगी और उसके अदर सिस्टर्स के पास भी होगी। ठीक है, माई सेकेंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल। ठीक है, इसने क्या बोला कि जो मेरी सेकंड डॉटर होगी उसे 1/4 ऑफ माई कैमल मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब उस कैमल को, 19 कैमल्स को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा,
ना, तो हम क्या करेंगे, 19 डिवाइडेड बाय 4, 19 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20 हो जाता है, तो 4 4 जा 16, फिर भी 3 कैमल्स बचेंगी है ना, तो उसको कितनी, 4 कैमल्स मिलेंगे एंड माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल। उसने क्या बोला कि जो मेरी थर्ड डॉटर होगी उसे 1/5 ऑफ माई कैमल मिलेगा, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 19 डिवाइडेड बाय 5 है ना। अब देखो आगे क्या है, यही सब बताते हैं इसमें। उसके बाद द वन रिमेनिंग इज माइन, जब वो देखो वो तो बता दिया था कि हाफ 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 पार्ट में डिवाइड हो गए, वो 1/4 पार्ट 1/5 पार्ट, उसको पूरी की पूरी हाफ कैमल मिल गई, बट क्या है, लास्ट में एक कैमल बची थी, एंड सैड आंट टुक लुक हर कैमल अवे, ठीक है, तो जो आंट थी उसकी आंटी थी उसकी कैमल को देखने लगी, ठीक है, हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ डिस्कस करो। अब देखो अरुण टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्लिपिंग 1/3 ऑफ द, देखो मैं बताती हूँ, टोटल कितनी थी, 19 कैमल्स थी, उसमें से हाफ आप उसको कितनी मिलने वाली थी, किसे मिलने वाली थी, सबसे एल्डेस्ट डॉटर को, मतलब कि मैंने बताया आपको कि उसको कितनी मिलेंगी, 9 कैमल्स मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद 9 में से 10 लेफ्ट, 10 आर लेफ्ट, ठीक है, 10 में से 1/4 ऑफ कैमल किसको मिलेगी, सेकंड डॉटर को, और 1/4 क्या था, डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि फिर से 4 है ना, 9 प्लस 4 किसे मिली, सेकंड डॉटर को। उसके बाद 1/5 जो है वो किसे मिलेगी, थर्ड डॉटर को, तो 1/5 कितना था, 5 जा 5 5 3 जा 15 एंड 4 बची, तो 3 उसको मिल गए, तो 9 प्लस 4 क्या हो गया, 13 प्लस 3 क्या हो गया, 16 है ना, 13 प्लस 3 क्या हो गया, 16, उसके बाद 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 19, तो 3 3 1 1 कैमल हो गए, बट जो 1 कैमल बची थी इसकी हाफ पार्ट की, क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है ना, वो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब अरुण टाइम टेबल क्या है, स्लीपिंग 1/3 ऑफ द डे, अरुण क्या करेगा, सोएगा कब, 1/3 ऑफ द डे, मतलब कि 24 आवर्स होते हैं टोटल, तो 1/3 वो सोएगा है ना, तो हमें क्या करना है, इसे 3 से डिवाइड करना है, सॉरी हमें क्या करेंगे, इसे 3 को 24 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 8 जा क्या होता है, 24, इट मीन्स वो 8 आवर्स क्या करेगा, स्लीपिंग करेगा, ठीक है, कौन, अरुण, उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूज डिफरेंट कलर्स टू शो, अब डिफरेंट कलर करना है। उसके बाद प्लेइंग 1/8 ऑफ द डे, खेलेगा कब, वो पूरे 24 आवर में से 1/8, मतलब कि 8 से डिवाइड करेंगे उसे, तो 8 नीचा 24, इट मीन्स 3 आवर्स वो क्या करेगा, प्ले करेगा है ना, ये इधर है, 3 आवर्स वो क्या करेगा, प्ले करेगा, एंड 1/4 पार्ट ऑफ द डे वो क्या करेगा, स्टडी करेगा, तो 24 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे है ना, तो 4 6 जा क्या होता है, 24, तो वो 6 आवर्स क्या करेगा, स्टडी करेगा, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग, के लिए उसे कितने आवर्स चाहिए, देखो अभी हमने देखा था 8 आवर्स है ना, और स्टडी के लिए उसे 6 आवर्स चाहिए, प्लेइंग के लिए 3 आवर्स चाहिए है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर द अदर एक्टिविटीज, फिर जब बाकी की चीजें बची, देखो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9 प्लस 8 क्या हो जाता है, 17, तो बाकी के जो 17 24 में से आप 17 माइनस करो, तो 24 में से 17 माइनस करो क्या होगा, देखो 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, हम कैरी लेंगे, तो यहाँ क्या आ गया, 14, 14 में से 7 गए तो 7 बचा, और 110, मतलब कि उसके पास 7 आवर्स क्या हुए, बच गए, ठीक है, तो वो 7 आवर्स में क्या करेगा, ऐसा वो बोल रहा था, ठीक है। स्कूल मैगजीन में अ स्कूल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर, ठीक है, क्वार्टर क्या होता है, 45 है ना, हाफ, और फिर जो 1
ये हो गया हाफ पार्ट और ये हो गया उसका भी हाफ पार्ट। तो ये जो हाफ पार्ट होगा और इसका ये हाफ का हाफ पार्ट होगा, ये क्या होगा? क्वार्टर होगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला स्कूल ने डिसाइड किया कि वो एक मैगजीन बनाएगा और उसको रिलीज कब करेगा? क्वार्टर ऑफ द ईयर। तो मतलब ठीक है, उसके बाद देखो टोटल कितने 12 मंथ्स होते हैं, है ना? 12 मंथ्स होते हैं टोटल। तो वो क्या करेगा, 12 को पहले तो आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो 4 से डिवाइड कर दो 3 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 3 3 पार्ट बन गया। तो क्वार्टर इतने का बनेगा, अभी मैंने बताया था सर्कल में 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9। तो टोटल 9 मंथ्स में वो क्या करने वाला था, उस मैगजीन को बनाने वाला था। ठीक है, उसके बाद है देखो आगे इसमें कुछ भी नहीं है। कीर्तिज शॉपिंग लिस्ट, अब देखते हैं इसे समझते हैं शॉपिंग लिस्ट में क्या है। लुक एट द येलो प्राइस टैग, इस येलो प्राइस टैग को देखो। टमाटो पर केजी के अकॉर्डिंग इसमें दिया है 12 रुपीज पर केजी है, पोटैटो 10, अनियन 16, कैरेट 18 एंड गॉर्ड 8। ठीक है, तो हाउ मच डज 2 केजी ऑफ टमाटो कॉस्ट? 2 केजी टमाटो कॉस्ट का क्या होगा, 1 केजी टमाटो का कॉस्ट क्या है, 12, है ना? तो 2 का कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, देन हाउ मच डज 1/2 पार्ट केजी ऑफ द टमाटो कॉस्ट? ठीक है, जो एक 1 केजी टमाटो पार्ट है, मतलब कि 1/2 क्या होता है, हाफ होता है ना? तो हाफ केजी ऑफ टमाटो का कॉस्ट क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देन किरण वॉन्ट, अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 2 और फिर हाफ, है ना? तो 2 और हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, देखो 2 2 तो होगा पूरा का पूरा पार्ट, तो 2 केजी टमाटो कितने के हो जाएंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 24, और फिर इसी 12 का क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो टमाटो हाउ मच विल इट कॉस्ट, अब क्या होगा इसको इसको ऐड कर देंगे तो वो कितने रुपीज देगा, 30 रुपीज। ठीक है, हाउ मच डज 3/2 केजी पोटैटो कॉस्ट? ठीक है, पोटैटो का कॉस्ट क्या है, 3/2 केजी क्या होगा, 3 तो पूरा का पूरा 3 केजी और फिर हाफ केजी, तो 3 3 केजी का कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखो पोटैटो 10 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 30 प्लस उसका हाफ क्या हो जाएगा, 15। 30 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 45 रुपीज, है ना? उसके बाद व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1/4 केजी ऑफ कैरेट? ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 केजी का तो कॉस्ट हमें पता ही है, और 1/4 कैसे निकालेंगे, जो भी उसका कॉस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद ऐड करो उसका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, देन ही बॉट अ गॉड ऑफ वेट 4। अब आपको ये तीनों के तीनों खुद से करने हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ये 4 4/3 3/4 इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली ये है 4 3/4, है ना? तो इसको इसको क्या करो, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, तो 4 4 जा क्या होता है, 16, है ना? और फिर इसको इससे ऐड कर दो, तो 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा, और नीचे का बेस सेम रहेगा, तो 16 प्लस 3 क्या हो गया, 19/4। ठीक है, अब तो आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस टाइम में, अब देखो ये हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रहीम से जर्नी स्टार्ट होती है, रहीम हैज टू ट्रेवल 1 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल, व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो स्कूल एंड कम बैक होम? ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। ठीक है, यह हमें पता है, वो पूरा 1 किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा। जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने ये बताया था ना कि क्या करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 इसमें ऐड करो, 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। ठीक है, 5/4 है, तो देखो पूरा का पूरा 1 किलोमीटर तो वो चलेगा ही चलेगा, इट मीन्स 100 मीटर्स। उसके बाद 100 मीटर का 1/4 पार्ट चलेगा वो, तो इसे इससे डिवाइड करो, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20।
क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25 मीटर्स वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, मतलब 125 मीटर्स वो ट्रेवल करेगा घर तक जाने के लिए, ठीक है। व्हाट कॉइंस लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज, क्या 7.5 रुपीज, रुपीज 1 रुपीज में मैंने क्या बताया था, 50 पैसे, 50 पैसे एंड 7 रुपीज, ठीक है, 7 रुपीज एंड 50 पैसे, शी गिव 10 रुपीज, उसने उसे क्या दिए, 10 रुपीज दिए, है ना, 10 रुपीज दिए। तो द शॉपकीपर गिव हिम, अब शॉपकीपर उसे कितने वापस करेगा, देखो ये हो गया 7 रुपीज एंड 50 पैसे, ठीक है, शॉपकीपर को उसने कितने दिए थे, 10 रुपीज दिए थे, तो 10 रुपीज और 0 0 पैसे एक भी नहीं दिए, तो माइनस करेंगे, 0 0 0 0 का 50 बच गया, ठीक है। उसके बाद देखो 0 से 0 गया 0 और 0 से 5 जा नहीं सकता, इसलिए हमने इससे 1 कैरी लिया, 10 आया, फिर 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 5, यहाँ पे क्या हो गया, 9, और 9 में से 7 गए तो 2 रुपीज, तो वो शॉपकीपर उसे कितने रुपीज वापस करेगा, 2 रुपीज एंड 50 पैसे, ओके। उसके बाद ये हमारा बचा है लास्ट, इसके बाद क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट। व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे, अब ये तो वही वाली बात हो गई है ना जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें क्या बताया कि आज क्या टाइम है ट्रेन का आने का, फिर यार क्या बोलता है, ओ द ट्रेन इज लेट टुडे, द राइट टाइम इज अ क्वार्टर टू 7, इट मीन्स 7:45 पे वो आने वाली थी ट्रेन, बट वो आई नहीं, लेट हो गई, ठीक है। नाजिया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर्स फ्रॉम हिज स्टेशन, ठीक है, उसे 2.5 आवर्स स्टेशन तक आने में लगे। सेकेंड है, साजी विल टेक 5 आवर्स टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन, ठीक है, उसको 5 आवर्स लगे एर्नाकुलम पहुंचने में ट्रेन से, एट वॉट टाइम विल ही रीच, जब वो टाइम से जाएगी तो 7:45 से आपको क्या करना है, 5 आवर्स को ऐड कर देना है, बस प्लस करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सारे, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया है फिनिश, कंप्लीट हो गया है, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।